ओके, यहाँ पर हम बात कर रहे थे हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज़ की, कि जो पॉलीमरेज़ है जिसने बाइंडिंग करनी है एक्सटेंशन के टाइम पर, तो लाइक उस जो डीएनए स्ट्रैंड्स, सॉरी जो डीएनटीपीज़ होते हैं, एटीडीसीज़ एज अ जो यूनिट्स, बिल्डिंग यूनिट्स जो यूज़ हो रहे होते हैं एक्सटेंशन में, उसमें वो बाइंडिंग कर रहा होता है पॉलीमरेज़। ठीक है, तो अब जब हम हीटिंग दे रहे होते हैं, हीट राइज कर रहे होते हैं, कूल डाउन कर रहे होते हैं, तो अब आप खुद ही सोचें कि 90 डिग्री पे आप जो है वो क्या कर रहे हैं कि टेम्परेचर दे रहे हैं। ठीक है, और पॉलीमरेज़ जो है उसकी स्टेबिलिटी इतनी होनी चाहिए। सो जो ये टैग पॉलीमरेज़ है, इसकी इतनी थर्मल एबिलिटी है, तभी तो जो है ये सर्वाइव कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है कहाँ से आइसोलेट हो रहा है, थर्मस एक्वाटिकस से, कोई बैक्टीरिया है वहाँ से आइसोलेट होता है। इसी तरह से पीएफयू पॉलीमरेज़ है, वेंट पॉलीमरेज़ है, वो इन सोर्सेज से एक्सट्रैक्ट किया किया जाता है। ठीक है, अब जो ये टैग पॉलीमरेज़ है, वैसे तो ये बहुत ज़्यादा फेमस और जनरली यूज़ किया जाता है, लेकिन ये कुछ जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिन जो टेम्पलेट और टारगेट रीजन्स होते हैं, उन पर उनके जो रीजन्स होते हैं वो स्मॉल रीजन्स, यानी कि स्मॉल रीजन्स पर काम करता है। और अगर हमें बहुत लंबे सीक्वेंसेस को पोलीमराइज एम्पलीफाई करना है, तो हम फिर पीएफयू पोलीमराइज को यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे कि कंपोनेंट्स क्या क्या यूज़ होते हैं और कितना टेम्परेचर देना है, कितने बेस पेयर्स प्राइमर्स के, कितने बेस पेयर्स होने, वो हम डिस्कस कर किए हैं, उनको दोबारा देख लेते हैं। डीएनए सीक्वेंसेस ऑफ टारगेट रीजन मस्ट बी नोन। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जो रीजन हमने एम्पलीफाई करना है, उसका रीजन हमें नोन होना चाहिए, मतलब वो हमें पता होना चाहिए किस चीज़ को हम जो है कॉपी बनाने जा रहे हैं। तो अननोन रीजन को एम्पलीफाई करना इज़ इम्पॉसिबल, और लाइक मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है बट इम्पॉसिबल नहीं है। बट जो जनरल पीसीआर है, उसमें हम जब एम्पलीफिकेशन करते हैं डीएनए की, तो वो हमें जो टारगेट रीजन है या वो जो टेम्पलेट जिसको कॉपी करना है हमने, वो नॉन होना चाहिए। इट शुड बी मस्ट, इट शुड बी नॉन। ठीक है, अच्छा, नंबर टू पे प्राइमर्स है। प्राइमर्स के जो बेस पेयर्स है, टिपिकली वो 20 to 30 बेस पेयर्स होने चाहिए इन साइजेस। ठीक है, दिस कैन बी रेडली प्रोड्यूस बाय कमर्शियल कंपनीज, कुछ कमर्शियल कंपनीज भी इसको प्रोड्यूस करती हैं, और हम जो बायोइनफॉर्मेटिक्स के टूल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड यूजिंग अ डीएनए सिंथेसाइजर्स। डीएनए सिंथेसाइजर्स के बायोइनफॉर्मेटिक्स हमें काफ़ी टूल्स देता है और एल्गोरिदम्स हैं जो प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं प्राइमर्स को फ्रॉम द डीएनए टेम्पलेट सीक्वेंस। अच्छा, थर्ड पे क्या है जी, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज होना चाहिए। टैग पॉलीमरेज जो है, विच इज़ नॉट इनएक्टिवेटेड बाय हीटिंग या हीटिंग टू 95। तो जो है लाइक थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज जो है वो थर्मल स्टेबल होना चाहिए। डीएनए थर्मल साइकिलर मशीन विच कैन बी प्रोग्राम्ड टू कैरी आउट हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ सैम्पल्स ओवर अ नंबर ऑफ साइकिल्स। अच्छा, जो मशीन हम यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर वो प्रोग्राम्ड होनी चाहिए, उसकी हीटिंग एंड कूलिंग एबिलिटी होनी चाहिए, कितना हमें टेम्परेचर राइज करना है, कूल डाउन करना है। तो आजकल की जो डिफरेंट मशीन्स हैं, उनमें टच ऑप्शंस हैं, लाइक आप जस्ट टाइमर सेट करते हैं, हीटिंग 1 मिनट पे इतनी हीट करना है, दूसरे साइकिल में जब पहुंचेगा तो उसको कूल डाउन करना है, थर्ड पे अगेन उसको जो है हीट टेम्परेचर को राइज करते हैं। अच्छा, ये कुछ पिक्चर्स हैं इंस्ट्रूमेंटेशन मीन्स के, जो पीसीआर की मशीन्स हैं जो यूज़ की जाती हैं। ठीक है, देर आर डिफरेंट मशीन्स, पीसीआर मशीन्स हैं, और ये वेल्स होती हैं जिसमें ये टेस्ट ट्यूब्स डाली जाती हैं, जिनको एम्पलीफाई करना होता है अपने। ठीक है, ये भी यहाँ पर मशीन में जो है वो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर ऑप्शन है जहाँ पे टेस्ट ट्यूब इंसर्ट की जाती है, ये टेस्ट ट्यूब्स की पिक्चर है, और ये भी पीसीआर मशीन है। ये आपको डिफरेंट लैब्स में पीसीआर मशीन्स जो हैं उसका होना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, यहाँ पर जो है ये ओके, थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ पीसीआर। पीसीआर में इसके कितने एस्पेक्ट्स को भी देखा जाता है।
कि जो हम पीसीआर कर रहे हैं वो हमारा सही पीसीआर होना चाहिए, मतलब सही जो टैम्पलेट है जिसको हम कॉपी करना चाह रहे हैं वही टैम्पलेट कॉपी हो रहा है। स्पेसिफिसिटी जो प्राइमर है वो एग्जैक्ट जगह पर जाकर बाइंड करे, किसी और जगह पर बाइंड ना करे, ठीक है। लाइक अनवांटेड प्रोडक्ट जो है वो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। जिस चीज़ को हमने जो चीज़ हम चाहते हैं लाइक जो टैम्पलेट हम कॉपी बनाना चाहते हैं सिर्फ वही जो है टैम्पलेट मैच करे, ठीक है। तो ये स्पेसिफिसिटी है। एफिशिएंसी मतलब टाइमली जो है वो पीसीआर होना चाहिए, ये नहीं कि लॉन्ग प्रोसेसेस हों और मतलब जब हम पूरा स्टेप कर लें और इतने टाइम लाइक फॉर एग्जांपल अगर पीसीआर में 1 डे लगता है तो हम पूरा स्टेप्स पूरा दिन हम काम कर रहे हैं एंड रिजल्ट पे हम देखते हैं कि हमें तो वो एग्जैक्ट जो टेम्पलेट है वो कॉपी मिला ही नहीं है, वो जो अनवांटेड प्रोडक्ट थी जो हमें चाहिए ही नहीं थी वो बन गई है। तो एफिशिएंसी होनी चाहिए, फिडेलिटी में मतलब एग्जैक्ट स्पेसिफिसिटी में प्राइमर्स सही जगह बाइंड करें, और फिडेलिटी में आप कह सकते हैं कि जो एग्जैक्ट टैम्पलेट है वो कॉपी हुआ भी है या नहीं हुआ। अच्छा कुछ एडवांटेजेस हैं वो देख लेते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए इज़ रिक्वायर्ड पर टेस्ट, जो है स्मॉल डीएनए मॉलिक्यूल है वो हमें चाहिए जो हम टेस्ट लाइक पीसीआर टेस्ट कर रहे हैं लाइक उसकी कॉपीज बना रहे हैं। रिजल्ट ऑब्टेन मोर क्विकली यूजली विद इन 1 डे, पीसीआर में जो रिजल्ट्स आते हैं वो एक दिन में मिल जाते हैं, और यूजली नॉट नेसेसरी टू यूज़ रेडियो एक्टिव मटीरियल फॉर पीसीआर। पीसीआर इज़ मच मोर प्रिसाइज इन डिटर्मनिंग द साइजेस ऑफ एलील्स। जो एलील्स होते हैं ये ट्रेड्स होते हैं जीन्स पर, फॉर एग्जांपल अगर ट्रेड है जी आई कलर के हम एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। उसमें जो आई कलर होता है ब्लू होता है, हेजल होता है एंड ग्रे होते हैं, डिफरेंट शेड्स होते हैं, ठीक है। तो एक ही जीन्स के डिफरेंट ट्रेड्स हो सकते हैं तो उसको भी हम डिटर्मन कर सकते हैं, और एसेंशियल फॉर सम डिसऑर्डर्स और अलील्स पे कुछ डिसऑर्डर्स अगर हमें नज़र हम स्टडी करना चाह रहे हैं तो उनके लिए भी हम पीसीआर जो है वो जो है की टेक्निक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। पीसीआर कैन बी यूज टू डिटेक्ट पॉइंट म्यूटेशंस। हमने स्टार्ट की जो लैब्स थी उसमें हमने एसएनपी के बारे में भी डिस्कस किया था। एसएनपी के लिए जो ओमिम की डेटाबेस है, OMIM डेटाबेस है, वो यूज़ होती है जो पॉइंट म्यूटेशंस होती है लाइक सिंगल बेस पेयर की वजह से क्या होता है लाइक सिंगल बेस पेयर की वजह से कोई डिजीज़ हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक सिकल सेल एनीमिया एक डिज़ीज़ है जिसमें सिर्फ एक बेस पेयर चेंज होता है, एक वेलिन प्रोटीन है उसकी जगह कोई और प्रोटीन आकर जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती है, तो एक बेस पेयर चेंज हो रहा है तो उस वजह से क्या होता है कोई डिज़ीज़ जो है वो डायग्नोज हो जाती है। तो पीसीआर क्या करता है, डिटेक्ट करता है पॉइंट म्यूटेशन। लाइक आप पॉइंट म्यूटेशन मीन्स के सिंगल जो बेस पेयर चेंज आ रहा है हम उसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके हाँ, रोबस्ट मेकिंग इट पॉसिबल टू एम्पलीफाई डीएनए फ्रॉम डिग्रेडेड सैम्पल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है पीसीआर का कि हम डिग्रेडेड सैम्पल्स, डिग्रेडेड मतलब जो हज़ारों साल पुरानी कोई जगह होती है वहाँ पर अगर कोई ऑर्गेनिज्म था या उसका कोई डीएनए उनको यहाँ से मिलता है तो हम उसको भी एम्पलीफाई करके स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स दैट डिग्रेडेड सैम्पल की कोई लाइक जो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो जो है वो अब प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म जो मर चुके हैं उन ऑर्गेनिज्म से भी अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है वो डेड है और उसका डीएनए अगर हम लें और उससे भी हम एम्पलीफाई कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि हमें सीक्वेंस नोन होना चाहिए, अननोन सीक्वेंस को एम्पलीफाई करना इज़ क्वाइट डिफिकल्ट। शॉर्ट साइज रेंज ऑफ एम्पलीफिकेशन, 100 बेस पेयर से लेकर 500 बेस 5000 बेस पेयर हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये है कि अगर हम 100 बेस पेयर्स तक तो बेस्ट है लेकिन अगर हम 1000 बेस पेयर्स करते हैं तो जो प्राइमर है ये ना हो कि वो बीच के रीजन में जाकर कहीं पर अटैच हो जाए, सो दैट इज़ द डिसएडवांटेज। चांसेस ऑफ कंटेमिनेशन, जितने लॉन्ग सीक्वेंसेस होंगे वहाँ पर कंटेमिनेशन के चांसेस ज़्यादा होंगे, लाइक अनवांटेड रीजन जो है वो प्रोड्यूस जो अनवांटेड प्रोडक्ट जो है यानी कि अनवांटेड
टैम्पलेट जो हमने नहीं कॉपी करना था तो वो भी कॉपी हो गया है। ये कुछ एप्लीकेशंस है पीसीआर की, मॉलिक्यूलर आइडेंटिफिकेशन में मॉलिक्यूलर आर्कियोलॉजी, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो भी इसको जो है पीसीआर को यूज़ करके तो डीएनए की एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं और उनको स्टडी कर सकते हैं फर्दर स्टेप्स के लिए। एपिडेमोलॉजी है, मॉलिक्यूलर इकोलॉजी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को कर सकते हैं, जीनोटाइपिक के जीन्स लाइक जीन्स की जो एक्सप्रेशन है उसको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म्स को जो क्लासिफाई किया जाता है लाइक मैमल्स हैं, लाइक रेप्टाइल्स हैं, तो उनकी क्लासिफिकेशन की जा सकती है वाइल यूजिंग पीसीआर। डिजीज़ को डायग्नोज किया जा सकता है, म्यूटेशन स्क्रीनिंग है, ड्रग डिस्कवरी की जा सकती है इन पीसीआर के थ्रू के कौन सी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी प्लांट की, तो हम उसके रूट्स और लीव्स को स्टडी करते हैं कि लीव्स में कौन सी प्रोटीन्स बन रही हैं, रूट्स में कौन सी प्रोटीन्स बन रही हैं। तो जो ड्रग डिस्कवरी और इस तरह की जो क्या कहते हैं डिस्कवरीज की जाती है कॉस्मेटिक्स और मेडिसन्स में यूज़ प्रोटीन्स यूज़ हो रही थी, इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे थे, तो इस तरह की चीज़ें यूज़ करके तो फर्दर एग्जांपल्स जो मैंने अभी आपको बताई हैं उसमें इन्हें यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर जेनेटिक मैचिंग है, डिटेक्शन ऑफ पैथोजेंस है, डिटेक्शन ऑफ पैथोजेंस में जो वायरसेस है आरएनए वायरसेस होते हैं लाइक उनकी डिटेक्शन की जा सकती है, जैसे कि आजकल जो कोरोना वायरसेस है तो उसमें पीसीआर का टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, और इसमें पैथोजन को डिटेक्शन से हमें पता चल रहा है कि जो पेशेंट पर्सन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है लाइक बहुत ही इसके एप्लीकेशंस जो है पीसीआर की है, ठीक है। सीक्वेंसिंग बायोइन्फॉर्मेटिक्स में हम जीनोमिक और क्लोनिंग देखते हैं क्लोनिंग कर सकते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो एनसीपीआई पे जितना भी डेटा पड़ा हुआ है लाइक वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का ही था, तो उन्होंने पीसीआर के थ्रू जो है इस तरह के रिजल्ट लिए होंगे, उनको पब्लिश किया है डेटा को। जेनेटिक इंजीनियरिंग है, साइट डायरेक्टेड म्यूटेजेनेसिस है, जीन एक्सप्रेशन स्टडीज़ हैं, ठीक है। तो लास्ट पर बेसिकली जो डीएनए रेप्लिकेशन है, यानी कि डीएनए ये जो पीसीआर के स्टेप्स हैं, ठीक है, इसमें भी हम कॉपीज़ बना रहे हैं। तो इसको अगर हम कंपेयर करें क्लोनिंग में भी बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, कॉपी ही बना रहे होते हैं, लाइक सेम आइडेंटिकल थिंग से हम क्या करते हैं दूसरा आइडेंटिकल जो है हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि जो पीसीआर होता है वो शॉर्ट टर्म यूज़ होता है, और जो क्लोनिंग होती है वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, उसके लंबे प्रोसेसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने बात की थी डीएनए को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और एक प्लाज्मिड होता है बैक्टीरियल सेल में, जो एक प्लाज्मिड होता है सर्कुलर प्लाज्मिड, उसको यूज़ करते हैं और उसमें इंसर्ट करते हैं, ठीक है, जो डीएनए हमने जो लाइक डीएनए जीनोम सीक्वेंस होता है उसको हम प्लाज्मिड में इंसर्ट करते हैं, देन बैक्टीरिया में अगेन उसको जो है रखते हैं और उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनती हैं और वो फिर उसको एज अ क्लोनिंग यूज़ किया जाता है। लाइक आप जैसे ह्यूमन जो ऑर्गन्स होते हैं ट्रांसप्लांट हो रहे होते हैं, इसी तरह से हम डिफरेंट ऑर्गन्स को जो है उनकी लाइक नेचुरल ग्रोथ भी करवा सकते हैं वाइल यूजिंग दीज जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द लेक्चर ऑफ टुडे। जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम उसके पीसीआर की टाइप्स देख लेंगे, रियल टाइम पीसीआर देखेंगे कि रियल टाइम पीसीआर लाइक देर आर डिफरेंट मैथड्स, ठीक है, उसमें से हम रियल टाइम पीसीआर देखेंगे एंड देन प्राइमर डिज़ाइनिंग करेंगे कि प्राइमर को कैसे डिज़ाइन किया जाता है। थैंक यू फॉर ऑल अबाउट।